बसमीम्स अल्लाम इमप्रॉपर इंटेग्रल हम डिस्कस कर रहे थे और 5.3 के हमने पहले पांच क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए थे क्वेश्चन नंबर सिक्स है स्टेट में दोबारा पढ़ लेते हैं क्या हमने फाइंड करना है डिटर्मन वेदर द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स कन्वर्ज हमने चेक करना है कि ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज अगर इसका आंसर फाइनाइट आया तो ये कन्वर्ज करेगा अगर इसका आंसर इनफाइनाइट फाइनइट आया तो ये डाइवर्ज करेगा तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स से हम लिखेंगे माइनस सेवेंटी से टू एक्सपोनशियल ऑफ टू एक्स और डी एक्स हम क्या करेंगे पहले इसको लिमिट की फॉर्म में चेंज करेंगे दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी की जगह मैं ए लिख देता हूँ कोई फाइनाइट नंबर ए और ए से टू एक्सपोनशियल ऑफ टू एक्स डी एक्स ए किसको अप्रोच कर रहा है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो मैं इसको इन लिमिट की फार्म में लिख देता हूँ ए अप्रोच टू माइनस इनफिनिटी और इसको मैं वन का नाम भी दे देता हूँ अब i इज़ इक्वल टू लेट करता हूँ कि i ये वाला इंटीग्रल i के बराबर है a से टू एक्सपोनशियल ऑफ टू एक्स और डी एक्स इसको सॉल्व करते हैं देखा एक्सपोनशियल ऑफ टू एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्सपोनशियल ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाई टू होती है ऐसे क्यों होती है देखें 2x का डेरिवेटिव 2 होता है ना तो 2 हम साथ लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2 भी लिख देते हैं अब ऊपर वाली जो पावर है उसका डायरेक्टिव आगे मौजूद है तो इसको हम एज इट इज़ उठा के इधर लिख सकते हैं ठीक हो गया तो इसकी लिमिट है ए से टू दिस इज इक्वल टू वन बाई टू इन टू एक्सपोनशियल ऑफ़ फोर हो जाएगा टू टू जर फोर नीचे वह लिमिट लगाएंगे एक्सपोनशियल ऑफ टू ए हो जाएगा एक्सपोनशियल ऑफ़ टू ए ये होगी आई, आई की वैल्यू इस आई की वैल्यू को उठा के वन में पुट कर देते हैं हम लिखेंगे फ्राम फ्राम वन तो वन की वैल्यू आई की वैल्यू यहाँ से उठा के इस वन में पुट करते हैं तो आई माइनस इन्फिनिटी से टू एक्सपोनेंशियल ऑफ टू एक्स और डी एक्स दिस इज इक्वल टू ये लिमिट ए अप्रोचिज टू माइनस इन्फिटी लिमिट ए अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी और इसका आंसर क्या आया था इस इंटीग्रल का इस इंटीग्रल का आंसर ये चीज़ आई है तो इसको हम लिखते हैं वन बाई टू एक्सपोनशियल ऑफ़ फोर माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ़ टू ए ठीक हो गया अब देखें वन बाई टू ये एक्सपोनशियल ऑफ फोर तो कॉन्स्टेंट इसको ऐसे ही रहने देते हैं माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ टू इंटू माइनस इन्फिनिटी का मतलब है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इन्फिनिटी जब इसमें लिमिट्स लगाएंगे ये वन बाई टू एक्सपोनशियल ऑफ फोर माइनस ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा क्यों क्योंकि वन बाई ये ये जो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इन्फिनिटी है दिस इज इक्वल टू वन बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ इन्फिनिटी तो वन बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है दिस इज इक्वल टू जीरो तो ये हम जीरो लिख देंगे दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ़ फोर डिवाइडेड बाई टू अब एक्सपोनेंशियल ऑफ फोर डिवाइडेड बाई टू ये एक फाइनाइट आंसर है ठीक है अगर ये फाइनाइट है तो जो गिवन इंटीग्रल है वो कन्वर्ज करेगा सो गिवन इंटीग्रल कन्वर्जिस क्योंकि हमने ये भी चेक करना था कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज तो हमने चेक किया इसका आंसर फाइनाइट आया है, तो ये क्या करता है इंटीग्रल कन्वर्ज कर गया है